कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित डीएम कार्यालय में कोविड 19 पॉजिटिव कर्मचारी पाए जाने के बाद जिलाधिकारी के आदेश से कलेक्ट्रेट परिसर के सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर को आगामी 2 कार्य दिवसों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में 2 दिनों तक आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही परिसर में स्थित समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। उस अवधि में कोविड 19 के संबंध में अनिवार्य कार्य हेतु कंट्रोल रूम तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम ही खुला रहेगा। इसी के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में प्रवेश हेतु मुख्य द्वार से बाएं ओर जाने वाले रास्ते खुले रहेंगे। वहां केवल वही लोग प्रवेश करेंगे जो पंजीकरण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक हो। एडीएम एफआर ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर के कार्यालय में समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी बिना उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा घर से कार्य करेंगे तथा दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। इस अवधि में संपूर्ण कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई एवं सैनिटाइजर का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से दूरभाष पर बात करते हुए एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने बताया। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बोल रहा हूँ। कलेक्ट्रेट परिसर को आगामी 48 घंटे के लिए आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट में केवल और केवल कंट्रोल रूम खुला रहेगा, अन्य सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कर्मचारी एवं अधिकारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कलेक्ट्रेट को आगामी 2 दिनों में सैनिटाइज कराया जाएगा, साफ सफाई कराई जाएगी और 2 दिन बाद पुनः आम जनता के लिए इसे खोला जाएगा। धन्यवाद।